फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राशि की रसोई। आज की हमारी रेसिपी है चिली पनीर रोल, वो भी एकदम आसान तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ 250 ग्राम पनीर ले लिया, इसे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है ये इस तरीके से। उसके बाद ये थोड़ा 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 से 3 चम्मच मैदा और ये कुछ सब्जियाँ, प्याज एक मीडियम साइज का लंबे टुकड़ों में कटा हुआ, 1 शिमला मिर्च, थोड़ी सी पत्ता गोभी, 8 से 10 लहसुन और हरी मिर्च। ये मैदा को मैंने नमक, थोड़ा तेल, अजवाइन और मंगरेला डालकर थोड़ा सख्त पूड़ियों जैसा आटा गूंथ के तैयार कर लिया है। यहाँ रेड चिली सॉस, सोया सॉस और टमाटो केचप, बस ये सारे इंग्रेडिएंट लगेंगे हमें पनीर चिली बनाने के लिए। यहाँ पनीर में मैंने 1.5 चम्मच जितना मैदा ऐड किया, फिर इसमें 1.5 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, फिर 1/2 टीस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। सोया सॉस डालने से इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है फ्राई करने के बाद। अब 1/2 टीस्पून नमक और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका अच्छे से एक पनीर के ऊपर कोट सा बन जाए उतना पानी डाल डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से पूरा ये पनीर के ऊपर हमारा मैदा और कॉर्नफ्लोर का मिक्स कोट हो गया है। अब इसे हमें डीप फ्राई करना है। तेल गरम हो गया यहाँ पे, हम एक एक करके अपने पनीर के पीसेस को डीप फ्राई कर लेंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इस मिक्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये हो गया, जब तक यहाँ देखिए मैंने मैदे के आटे से ये पतली पतली रोटियाँ सेक के तैयार कर ली हैं। रोटियों को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा, बस दोनों साइड से हल्का सा सेकना है। अब देखिए ये सारे जो केचप सॉस का मिक्स हमने बनाया था उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, फटाफट बन जाती है और कोई भी अलग से सामान की ज़रूरत नहीं है, सारे सामान हमारे घर में मोस्टली अवेलेबल रहते हैं। देखिए अब ये ग्रेवी को थिक करने के लिए 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर में मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स कर किया है, इसे मिक्स करके हम इस ग्रेवी में ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके। एकदम पतला सा ग्रेवी जैसा बनाना है।
इसे डालने से तुम्हारी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाएगी और ग्रेवी में थोड़ा सा शाइन आ जाएगा और ये जो ग्रेवी है पनीर पे अच्छी तरीके से कोट हो जाएगी, क्योंकि हमें वाटरी कंसिस्टेंसी वाली ग्रेवी नहीं चाहिए वरना फिर वो पनीर रोल में से बाहर आ जाएगा। इसलिए हमें थोड़ा सा थिक ग्रेवी चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमें कॉर्नफ्लोर यूज़ करना ज़रूरी है। अभी सारे पनीर के पीसेस को हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा इसे मिक्स करके अच्छे तरीके से ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। देखिए सारा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम अपने रोटी को तैयार कर लेते हैं। पैन में थोड़ा सा बटर डालेंगे, भाई पनीर रोल है बटर तो ज़रूरी है। अब इसे रोटी को हमें एकदम क्रिस्प इस पे सेक लेना है। देखिए दोनों तरफ से हमारी रोटी एकदम क्रिस्प सिक गई है। तो चलिए अब फटाफट से रोल को असेंबल करते हैं। हमारा सारा चीज़ तैयार है तो हम अपने रोल को असेंबल करते हैं। देखिए रोटी पे सबसे पहले यहाँ पे कैबेज डाला है मैंने, उसके बाद ये थोड़ा सा जो चिली पनीर का मिक्स तैयार किया है वो ऐड करेंगे। यहाँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा, अब ज़्यादा स्टफिंग चाहिए तो ज़्यादा ऐड करिए, वरना यहाँ पे मैं जो भर रही हूँ ये आइडियल है, इतना मार्केट में इतना ही फील करके मिलता है। यहाँ मैंने कोई प्याज और ये सब गाजर वगैरह नहीं ऐड किया है, अगर आपको चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि ग्रेवी में मैंने प्याज शिमला मिर्च का यूज़ किया है तो उससे भी अच्छा खासा क्रंच आ जाता है। अब इसको हम एकदम टाइट रोल बना देंगे और एक टिश्यू पेपर में इसे कवर कर देंगे। देखिए एकदम मार्केट जैसा पनीर चिली रोल बन के तैयार है, वो भी एकदम इजी वे में। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको और कौन सी रेसिपीज़ देखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।